बीती रात इलाका भ्रमण के दौरान खुशीलाल अस्पताल के सामने से एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल से आते दिखा, जो पुलिस को देखकर गाड़ी वापस कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसका नाम पता पूछा गया, अपना नाम दिनेश अहिरवार निवासी बरेली का रहने वाला बताया। राजधानी भोपाल में थाना बाग सेवनिया क्षेत्र के स्कूल में न्याय चौपाल घरेलू हिंसा के खिलाफ एक संस्था द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें सभी थाना क्षेत्र से शक्ति समिति के लगभग 300 लोग एकत्रित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि आईजी हिमानी खन्ना, सुरक्षा महिला सुरक्षा मध्य प्रदेश, डीआईजी पुलिस कम्युनिटी भोपाल विनित कुमार कपूर, एआईजी अमृतलाल मीना पुलिस कम्युनिटी मुख्यालय भोपाल, एसीपी मिसरोद डॉक्टर रजनीश कश्यप, एसीपी महिला अपराध निधि सक्सेना एवं थाना प्रभारी शिल्पा कौरव, महिला थाना एवं उदय संस्था की डायरेक्टर सिस्टर लीजी उपस्थित हुई। विश्व कप का फाइनल मैच में लोगों का दिल जीत लिया है। कहते हैं ना कि विराट कोहली जहां खड़े होते हैं मैच का रुख यूं ही पलट कर रख देते हैं। विराट कोहली के दमदार पारी ने इस मैच को बरकरार रखा। उन्होंने धीरे धीरे अपना उम्दा खेल अपनी पारी को आखिर तक पहुंचा कर रखा। 176 रनों का लक्ष्य देने वाली भारतीय टीम को 76 रनों की शानदार पारी विराट कोहली से ही मिली। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव होने के बाद अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी 17 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मॉनसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसे आगामी दिनों भारी बरसात होगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। विश्व कप जीतने के बाद और भारत के इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद जो तस्वीर सामने आई है वह भावुक कर देने वाली है। इन तस्वीरों को रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली सभी रोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस रोती हुई तस्वीर भी मन को गदगद कर रही है। सब कहते होंगे कि सब प्लेयर रो क्यों रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इन्हीं तस्वीरों का तो सभी को इंतजार था। ऑल इंडिया मंजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के निशाने पर आ गए हैं। संसद में शपथ के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया था, जिसके विरोध में अब दिल्ली में ओवैसी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 को अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने 7 विकेट से साउथ अफ्रीका को मात देते हुए जीत हासिल की। इस जीत के बाद रोहित शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि वह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली ने भी इस मैच से संन्यास ले लिया है और अब रोहित शर्मा ने भी इसे संन्यास ले लिया है। इंदौर में 7 जुलाई से 14 जुलाई तक पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। हालांकि 7 जुलाई को आ रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय चाहते हैं कि अमित शाह को 14 जुलाई को बुलाया जाए। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम नगर भोज की तैयारी में जुटी हुई है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि एक विदेशी प्रोफेसर सोशल मीडिया पर ग्रुप ऑडियो कॉल होस्ट करता है। इस दौरान वह मणिपुर के लोगों को राज्य में कानून व्यवस्था खराब करने के लिए उकसाता है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में शांति स्थापित करने को लेकर राज्य में आए दिन रैलियां आयोजित की जाती हैं। इस बीच मणिपुर हिंसा का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। इम्फाल के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद रविवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पटना लौटे, जहां संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इसे जेडीयू का आधार अन्य राज्यों में बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कई राज्यों में होने वाले हैं, उससे उसके लिए संजय झा बेहतर विकल्प हैं और अच्छे तरीके से जेडीयू के विस्तार के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं में सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि संसद परिसर में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 6 जुलाई को कोटा आने का कार्यक्रम है। इसको देखते हुए कोटा शहर को सजाया जा रहा है, बैठकों का आयोजन हो रहा है और स्वागत की तैयारियों के लिए जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सांसद बिरला के दोबारा लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में भव्य स्वागत सम्मान किया जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1334 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें तरह तरह के जीव जंतु हैं, जहां बाघों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर कीला बारिश के बाद बेहद खूबसूरत लगने लगा है। थंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 70 से अधिक बाघ और मोर सहित तमाम तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रविवार 29 जून की रात टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। टीम इंडिया की जीत के बाद देर रात छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। जगदलपुर शहर के साथ साथ पूरे बस्तर संभाग में देर रात युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों पर नाचते झूमते नजर आए। भोपाल परिवहन में सुशासन का महत्वपूर्ण कदम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिकायतों पर होगी सख्त कार्रवाई, बंद होगी चेक पोस्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं।